आज हमारा निकलने का प्लान था सुबह 9 बजे के आसपास, अभी शायद बजे है 11 बजे, क्योंकि आज लेट हो गए, ट्रैफिक भी इतना है भाई, ट्रैफिक और सिग्नल। डायरेक्ट पहले होटल जाने वाला था विकास भाई के, अब डायरेक्ट पहुंचूंगा हाईवे पे, वहां पे कहीं पे गाड़ी पार्क कर दूंगा, फिर निकल जाएंगे एक्सप्लोर करने। और आज मौसम बहुत खतरनाक है, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश नहीं थी, आज हल्की 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 बारिश आ रही है, बादल है, मजेदार मौसम है। तो मिलते हैं विकास भाई के साथ। कल तक धूप आ रही थी और आज मजा आने वाला है। इसका सीन कुछ ऐसा है कि हम पहुंच गए हैं ये टोल टैक्स के पास, और अभी ओम और अपनी एक दूसरी गाड़ी है स्कॉर्पियो और थार आ गई है, अभी विकास भाई आने बाकी है, तो फटाफट उनका वेट करते हैं। ओ भाई, स्कॉर्पियो कैसे आज स्कॉर्पियो में? सस्पेंस था, बताता हूँ आपको बाद में। ठंडा ला तो गाड़ियाँ रुकने लगते हैं भाई। अपनी चालू कर देते ठंडा ला भाई। अपनी 3 गाड़ियाँ आ गई है। कल तक बारिश नहीं थी, पर आज भाई अलग ही मौसम बन गया। आज मस्त बारिश हो गई, पर इस तरफ थोड़ा खुला हुआ है, देख पर अच्छा लग रहा है यहाँ पे बारिश। हाँ, अभी बंद हो गई है। आ रही आ रही आ रही, हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो भाई अपन दोनों तो छाता में मौज कर रहे हैं भाई, छाते का यूज हो रहा है। मतलब हर वक्त आपको लेट ही करना है, हर वक्त लेट करना है यार। हाँ साले, कैसे कितने कितने घंटे से खड़े हैं यार। एक घंटे बोल रहा है अभी सिटी भाई पे। 9 बजे का मैं उठ के ना आ गया, मैं 9 बजे रेडी था, रेडी। फिर इसकी जब इसको जब फोन किया मैंने, इसको फोन भी कहते भाई तो भाई अभी मैं एक्सयूवी लेके आया था, तो अपना यहाँ पे फार्म है वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिए, और ओम के साथ वापस हम हाईवे पे चढ़ जाएंगे। ये NH 53 अभी सीधा जाएगा व्यारा के पास। तो मौसम तो बहुत मज़ेदार बना हुआ है, आगे पता नहीं डांग के साइड क्या माहौल रहता है। आगे शायद कीर्ति भाई ज्वाइन होने वाले हैं, वो शायद यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। वापस से आ गए फॉर्च्यूनर में, और वापस से मॉनसून वाले से साले पहले ही बारी तो आया है। लास्ट टाइम मॉनसून अच्छा, लास्ट टाइम वाला वापस। हाँ हाँ, मॉनसून में तो मज़ा आता है, मॉनसून में ही तो असली ट्रिप का मज़ा है। तो आज अलग ही माहौल देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे न्यूज़ मिले है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ अलग ही नज़ारा देख रहे हैं सब लोग। तो देखते हैं आज कैसा डिफिकल्टी लेवल कितना होगा, वो पता चलेगा आज वहाँ जाके। और यहाँ पे विशेष भी है, पांडव गुफा वाले रास्ते से ही जाएंगे। वो तो गांव वालों ने बना दिया पक्का रास्ता, तो अभी यहाँ मेन रोड से ही आगे जहाँ पे है मेन, वहाँ पे चले जाएंगे। अभी कुणाल का ही फोन आ रहा है। अभी हम व्यारा के आसपास कहीं पे रुके हुए हैं, तो सारी गाड़ी यहाँ पे, अपना छोटा सा अभी होल्ड है, ये हाईवे है, और यहाँ पे चाय वाय लगा के मस्त, यहाँ पे अपना होल्ड हर बार रहता ही है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। यहाँ पे हल्का सा चाय वाय लेके निकल जाएगी, ये इनकी चाय फिक्स है ना। हाँ चाय फिक्स है, उनकी दूसरी भी आगे भी दुकान है, यहाँ पे और खोल दी है ये भी एक्सपांड। तो भाई अभी हम व्यारा से महल वाले रोड पे है, अभी भी जो कुणाल वगैरह रुके वो यहाँ से 47 किलोमीटर दूर है। अभी फिलहाल बारिश तो नहीं होगी, पर आगे बहुत घने बादल दिख रहे हैं। भाई देख रहे हो टाइम कितना कम कर दिया मैंने, 3:30 दिखा रहा था, 3:30 दिखा रहा था। पर भाई चलाई भी वैसे ना पीछे, अभी धीरे धीरे गाड़ी तो ज्वाइन हो गई, धीरे धीरे कर दी मैंने। हाँ इसलिए ज्वाइन कर लिया लोगों ने, पर अभी प्रॉपर जंगल आएगा वहाँ पे, अभी देखेंगे क्या माहौल रहता है। अभी न्यूज में तो कल दिखा रहा था यहाँ पे बारिश था, आज तो नहीं लग रहा, सूखे रास्ते। अच्छा ये महाराष्ट्र इंटर कर गए? नहीं नहीं नहीं, अभी ये गुजरात है। अच्छा ये लेपर्ड, ये वाइल्ड लाइफ हमने क्रॉस कर दिया ना। हाँ। तो आगे उसे भी है। भाई पूरा ग्रीन दिख रहा है, पूरा ग्रीन मस्त एकदम, कोई भीड़भाड़ नहीं, कोई बाहर तो आवाज ही नहीं आ रही होगी किसी चीज की, खाली फॉर्च्यूनर की आवाज आ रही है, और हॉट मस्त प्रॉपर जंगल के, डांग के जंगल के अंदर से जा रहे हैं रास्ते में। ये डांग आ गया? हाँ डांग चालू हो गया अभी। अच्छा, हम ये महल के आसपास कहीं पे रुके हुए हैं, एकदम घना जंगल है आसपास, पक्का रास्ता है और एकदम शांति है, तो हमने सोचा कि भाई यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, और यहाँ पे आगे ट्रेल भी जा रहा है, देखेंगे वहाँ पे जाएगी कि नहीं। सारी गाड़ी यहाँ पे रुक गई है। क्या हाल चाल? एक नंबर भाई, एक नंबर।
तो भाई आगे ट्रेल पे जाना है, ट्रेल पे जाना है भाई, ब्रिज बन रहा है। ओहो हो, चढ़ाई बढ़िया है। हाँ, एंड नॉर्मल सही है, थोड़ा सा स्लश हो जाता है इसमें तो मजा आ जाता है। आराम से निकल गई भाई। आसपास पूरा जंगल वाला एरिया है, बड़े बड़े झाड़ वगैरह है, मस्त रास्ता है, भीड़ नहीं है, सामने बादल हरे भरे दिख रही है। और यहाँ पे थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह लेके निकलते हैं। यहाँ पे छोटी सी नदी वगैरह है, मस्त। राइट जाना है ना, इसी पे जाना है। और इसके ऊपर एक ट्रेल है जो कि बहुत ही गजब का है भाई, इतना सुंदर। और वहां से जो नजारे दिखते हैं, बस हमें ना क्लाउड उतना ज्यादा नहीं मिले ताकि हम ना अच्छे शॉट्स ले पाए। ड्रोन लेके आया ना भाई? ड्रोन लाया, तगड़ा तगड़ा। गाड़ी ठोक दी, गाड़ी ठोक दी। गाड़ी ठोक दी, कुछ नहीं हुआ। कैसे हुआ? इधर देख के रिवर्स में। अच्छा, एक्साइटमेंट। सर रुके नहीं, चलो तो यहाँ फटाफट। विकास भाई आगे चले जाओ। चलो वो बुला रहा है, चलो भाई। थोड़ा दूर रखो यार अर्नब, थोड़ा दूर। नहीं तो मेरी गाड़ी तो देख, मेरे को तो बम्पर वैसे भी चेंज करना है। ओ भाई, अरे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मेरी गाड़ी भाई, कोई टेंशन नहीं, फिर तो करेंगे। चलो चलो चले चलो, देखो ट्रेलर था अर्नब, वापस वापस करो। ज्यादा एक्साइटमेंट में मत आओ भाई, अपना भी भरोसा नहीं भाई। यहाँ पे तगड़ा वाला सब पागल हो गए, एक्साइटमेंट इतनी हो गई ऐसा ग्राउंड देख के, यहाँ पे भरोसा नहीं। स्कीड हो रही है गाड़ियाँ। एक ना पहले से ही बंपर ला के रखा ना, और मेरा मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था भाई, मेरे को एक रत्ती फर्क नहीं पड़ा। हाँ, आज मैं सुबह ही ऑफिस से बात कर रहा था, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ तो मेरा बंपर वंपर पेंट करके रखवा देना और फिर चेंज कर देंगे, बस मैं आराम से पहुंच जाऊं। और जो फन यार, मतलब मेरी वजह से ना आज दो थार रुक गई, एक अर्नब की तो वो खड़ा था, मैं देख रहा था कि भाई देखेंगे देखेंगे। इसमें भी मैंने ये वाला कैमरा भी ऑन किया हुआ था अपना छोटा वाला, इसमें भी आएगा। मैं ब्रेक मार रहा हूँ, मैंने कहा जा रही है मिलते हैं आज से, मजा आएगा तगड़ा। आज तो भाई ये फॉर्च्यूनर काल है।